हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, कई सारे लोग मुझे कई दिनों से कमेंट कर रहे थे कि भाई प्रॉब्लम सेट कहाँ है सर, प्रॉब्लम सेट लेकर आइए ना, प्रॉब्लम सेट में कैसे हम लोग सॉल्व करें, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही है। तो भाई सुन के मैंने बोला चलो इच्छा पूरी ही कर देते हैं। सो आई एम बैक विद अ प्रॉब्लम सेट 1 और आज मैं आप लोगों को प्रॉब्लम सेट 1 बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉब्लम सेट MCQ से, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में प्रॉब्लम सेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथ वन का प्रॉब्लम सेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग लास्ट ईयर के पेपर को अगर एनालिसिस करें तो उसमें प्रॉब्लम सेट के चैलेंजिंग क्वेश्चन बोर्ड में जो आए हैं वो प्रॉब्लम सेट से एकदम रिलेटेड है। जैसे मैं बात करूँ हिस्टोग्राम की, जो हिस्टोग्राम आप लोगों को आया था बोर्ड में वो प्रॉब्लम सेट 6 में से रिलेटेड सम था। जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 3.4 में से थर्ड वाला क्वेश्चन या सेकंड जो भी हो वो वाला क्वेश्चन आया था वो भी रिलेटेड था, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें लास्ट टू लास्ट ईयर पेपर की, मतलब 2019 की, उसमें दूसरे चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से एक लास्ट समेत 2 टाइप वाला प्रॉब्लम सेट में, ठीक है। उस प्रॉब्लम सेट से वो क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का। सो दीज प्रॉब्लम सेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम मैथ्स 1, दो द प्रॉब्लम सेट ऑफ मैथ्स 2 इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम सेट से क्वेश्चन नहीं आता है। तो प्रॉब्लम सेट करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो क्वेश्चन वाइज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक ग्राफ बनाना है। भाई ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास इक्वेशन है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19 और हमें x की वैल्यू रखना है 1, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी होगी भैया, मतलब y फाइंड करना है, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग जानते हैं कि x की 3 वैल्यू लेते हैं हम लोग और y की 3 वैल्यू लेते हैं, और फिर उसके बाद इक्वेशन में कोऑर्डिनेट पॉइंट करते हैं और फिर बना देते हैं। हालांकि इसका मैंने वीडियो डाला नहीं है क्योंकि ग्राफ का इंतजाम मैं कर नहीं पाया, इधर ये वीडियो आप लोगों को मिल गया होता। x की जगह 1 रखना है तो x की जगह 1 रख दो, प्लस 5y इज इक्वल टू 19, 4 1 4 हो गया प्लस 5y इज इक्वल टू 19। अब 4 यहाँ चला जाएगा तो 5y इज इक्वल टू 15। बोलोगे सर 15 कैसे, अरे 19 माइनस 4, तो y इज इक्वल टू 15/5 आ गया, y इज इक्वल टू 3 आ गया। दिख रहा है क्या कहीं पे ऑप्शन में y? चलिए बी आपका मतलब एकदम करेक्ट है, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा प्रॉब्लम सेट बताने में, बिकॉज मैं आप लोगों को बेसिक से बता रहा हूँ, सो यू शुड अंडरस्टैंड, ओके। सो अब आपको फाइंड करना है इसमें x, आपको dx दिया है, dy दिया है और d दिया है, इजीली फाइंड कर लोगे। प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे बोलेंगे सर जब dx का ही काम था और d का काम था, क्योंकि x का फार्मूला क्या है, हमारे पास x का फार्मूला है dx/d। तो बच्चे बोलेंगे सर dy क्यों दिया था, अरे बच्चा तुम्हें कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया था, क्योंकि कुछ बच्चे dx का x का फार्मूला dy/dx लगा देते हैं। सो ऐसा हो सकता है आपके साथ भी, सो यू शुड नो dx है 49, d है 7, तो 49/7 बिकॉज वी नो द फार्मूला ऑफ x, दैट इज dx/d, तो d कट गया, आ गया x, तो यहाँ पे 7 7 जा 49 7 दिख रहा है क्या कहीं पे ऑप्शन में, दिख रहा है ए है क्या वो, जी हाँ, मतलब ए करेक्ट है आपका, ठीक है। चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, आपका जो ये डिटर्मिनेंट दिया है इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा जूम हो गया, सॉरी। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो हम लोग रूल जानते हैं इसका, इसके साथ 5 को माइनस 4 के साथ, 7 को 3 के साथ, ठीक है। तो 5 माइनस 4 ये -20 हो गया, फिर माइनस ये -21 हो गया, तो -20 + 21 आंसर आ जाएगा 1। कुछ बच्चे बोलेंगे सर -1, अरे भैया बड़े नंबर की साइन, बड़ा नंबर कौन, 21, इट इज़ बिगर नंबर, तो साइन विल बी पॉजिटिव। 1 दिख रहा है क्या कहीं पे, 1 दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, डी करेक्ट है आपका। चलिए चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चौथे क्वेश्चन में भी हम लोगों को डी फाइंड करना है, ठीक है। हम लोगों को एक इक्वेशन दिया गया है, x + y = 3 और 3x - 2y - 4 = 0। सबसे पहली बात, जो आप लोगों का दूसरा इक्वेशन है वो अरेंज्ड नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग अरेंज करेंगे क्योंकि 4 वो साइड रहना चाहिए, तो भेज दो भाई क्या प्रॉब्लम है, 3x - 2y = 4, अब हो गया ये अरेंज्ड, ठीक है। चलिए अरेंज्ड वाला लिख सकते हैं आप लोग। चलिए अब क्या बोला है, बाय डिटर्मिनेंट मेथड फाइंड डी, हम लोगों को डी का फार्मूला लगाना है। डी का फार्मूला क्या है भाई, डी का फार्मूला है a1b1/a2b2, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फार्मूला लगाता हूँ, आई होप यू कैन ईजिली सी दैट। सो d इज इक्वल टू a1b1a2b2। अब भाई a1b1a2b2 देख के समझ में आना चाहिए, ये 1 है a1, ये a1 है a2, b1 है 3, b2 है -2, 4 का कोई काम नहीं है, ठीक है। दिस इज योर फार्मूला, तो क्रॉस में करो, 1 को -2 से करोगे -2, 3 को 1 से करोगे -3, तो -5 है, -5 दिख रहा है क्या कहीं पे, हाँ सर दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है भाई, सी, हाँ, तो मतलब आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलिए पांचवा क्वेश्चन करते हैं। पांचवे क्वेश्चन में बोला है कि ax + by = c, ठीक है, मतलब ये जनरल टर्म दिया गया है। और फिर उसके बाद बोला है mx + ny = d, ये दूसरा इक्वेशन दिया गया। आपके पास दो इक्वेशन है,
अभी यहाँ पे क्या बोला है, तीसरी कंडीशन, कंडीशन बोली है कि ए एन इज़ नॉट इक्वल टू बी एम। ए एन मतलब क्या, कि जो ए का कोऑर्डिनेट है वो एन के साथ और बी का कोऑर्डिनेट जो है वो एम के साथ वो इक्वल नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने कई सारे इक्वेशन ऐसा देखा है, 199x प्लस 201y इज इक्वल टू दिस, और फिर उसके बाद 201x प्लस 199y। तो इसमें क्या होता था, 199x और y सेम है, ये वाला इसके साथ सेम है, तो इस तरीके से हम लोग करते थे ना। तो वही यहाँ पे बोला है कि इक्वल नहीं है, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, क्योंकि जो an है, ठीक है, an bm के इक्वल नहीं है, तो सिर्फ एक ही कॉमन सॉल्यूशन होगा। an bm के इक्वल होता तो इसका टू सॉल्यूशन होता, कौन सा, पहला आशा वाला और दूसरा कॉमन वाला, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। सो यू शुड फर्स्ट, आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, आपकी जो थिंकिंग है वो बढ़िया रहनी चाहिए, तब कर पाओगे। अब यहाँ पे ये जो टेबल दिया गया ना भाई, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता। हम लोगों के सेमेस्टर के पेपर में, प्रीलियम के पेपर में ये क्वेश्चन आया, 2019 बोर्ड के पेपर में ऐसा एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। सो दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल, एंड बनाना सीख लो भाई, तभी तो सीख पाओगे। 2x माइनस 6y इज़ इक्वल टू 3 है। पहले हम लोगों को x की वैल्यू 5 रखनी है और y फाइंड करना है, ठीक है। तो रख देते हैं 2 माइनस 5 माइनस 6y इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ पे बढ़िया से मैं लिख नहीं पाया, चलिए 2x मतलब 2 माइनस 5 माइनस 3y इज़ इक्वल, माइनस 6y है, माइनस 6y इज़ इक्वल टू 3। 2 5 10 माइनस 10 माइनस 6y इज इक्वल टू 3, सो माइनस 6y इज इक्वल टू 3 प्लस 10, तो माइनस 6y इज इक्वल टू 13, सो y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6, y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6 और साइन माइनस की, ठीक है। सो y इज इक्वल टू 13 अपॉन माइनस 13 अपॉन 6। कई बच्चे सोचेंगे सर ये ऐसा आंसर आया है, वियर्ड आंसर आया, कैसे माने करेक्ट है, पुटिंग कर दो ना भाई 2x माइनस 6y में, x की रख दो y की रख दो, आंसर करेक्ट आएगा। तो y के बॉक्स में क्या लिखना है, y के बॉक्स में लिखना है माइनस 13 अपॉन 6, और यहाँ पे लिखना है 5 माइनस 5 और माइनस 13 अपॉन 6, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, xy तो 2x माइनस 6 0 या 0 हो जाएगा, उसकी कहानी ख़त्म। और यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे है 3, तो x इज इक्वल टू 3/2, तो x की जगह लिख दोगे 3/2 और यहाँ लिख दोगे 3/2, 0, समझ गए। चलिए अब ये सब आंसर हम लोग यहाँ पे नहीं सॉल्व कर सकते, ओके। सो इसके लिए हमें स्क्रीन पर जाना होगा, और आज मुझसे क्वेश्चन नंबर 5 तक हो पाएगा, तो मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक करा के दूंगा, फिर क्वेश्चन नंबर 6-7 अगले वीडियो में। तो यहाँ पे आप लोगों को इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है। चूँकि मैंने प्रैक्टिस सेट 1.2 में आपको ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते वो बताया नहीं था, सो इस वीडियो में बता देता हूँ। वैसे मेरे पास ग्राफ तो है नहीं, बट कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे। ग्राफिकल इक्वेशन जब भी सॉल्व करना हो तो सबसे पहले दो बातें ध्यान रखो, ठीक है। दो बातें कौन कौन सी, सबसे पहली बात, आप लोगों को ग्राफिकल इक्वेशन सॉल्व करते समय हमेशा एक्स वाई की वैल्यू रखनी होती है, ठीक है। तो हमेशा आप एक्स की 3 वैल्यू रखो और वाई की 3 वैल्यू रखो। इवेंचुअली हम लोग पहले 4 वैल्यूज़ रखा करते थे, ठीक है, बट अभी का पैटर्न चेंज हो गया है, क्योंकि पॉइंट्स आप लोगों को दो ही में मिल जाएंगे। जैसे ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है, ठीक है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2, यहाँ माइनस में, यहाँ माइनस में, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया माइनस 1, ये हो गया माइनस 2, ठीक है। तो आपको एक पॉइंट मिला यहाँ पे, एक पॉइंट मिला यहाँ पे, देखो लाइन ड्रॉ हो गई, तीसरे पॉइंट की ज़रूरत है नहीं, वो यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, कहीं पे भी मिल जाएगा, ठीक है। बट हम लोग क्या करते हैं कि अपने सेटिस्फैक्शन के लिए 3-4 पॉइंट खोजते हैं, ठीक है। तो दो पॉइंट में भी काम होता है, बट आप लोग 3-4 पॉइंट खोजो, तो हम लोग क्या करते हैं पुराने मेथड से 4 वैल्यूज रखते हैं, ठीक है, ताकि कोई कमी ना रहे। चलिए अब सबसे पहले एक इक्वेशन को उठाएंगे हम लोग, कोई भी इक्वेशन उठा लो, फॉर एग्जांपल मैं इक्वेशन 1 उठा लेता हूँ, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12y, ठीक है। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। सबसे पहले मैं x की वैल्यू रखूँगा तो y की वैल्यू अपने आप निकलेगी। यहाँ पे 2 इवन नंबर है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 3 की वैल्यू रखूँगा, ठीक है। क्यों मैं 3 की रखूँगा, y की वैल्यू इसलिए रखना क्योंकि y के साथ इवन नंबर है, और इवन नंबर ज़्यादा डिविजिबल होते नहीं है, इवन नंबर हमेशा डिविजिबल होते हैं, ऑड नंबर ज़्यादा डिविजिबल होते नहीं है। तो ऑड नंबर को ही ये सिंप्लीफाई कर दूंगा तो ईजी पड़ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूँ, चलो x की वैल्यू, फॉर एग्जांपल x की वैल्यू मैंने 1 रख दी, तो 2 1 2 हो गया, 12 - 2 हो जाएगा और ये आ जाएगा 10, और इधर रहेगा 3y, तो y की वैल्यू मिल जाएगी 10/3। फिर आप लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेंगे क्योंकि 10/3 का कोई प्रॉपर है नहीं, तो आप लोग 3.3 लोगे या 3.4 लोगे,
और लास्ट में आपका आंसर इसकी वजह से एक दो पॉइंट से मिस हो सकता है और इससे बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। बट अगर मैं y को 1 रखूं तो मुझे आंसर मिलेगा 9/2 और 9 को 2 से काटा जा सकता है। सो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरे की वैल्यू रखते हैं, समझे अब। तो y की वैल्यू मैं रखता हूँ यहाँ पे 0, यहाँ पे y की वैल्यू रखता हूँ मैं 1, यहाँ पे y की वैल्यू मैं रखता हूँ 2। ठीक है, इस तरीके से कई सारी वैल्यू आप रख सकते हो। 0, 1, 2, 3 बेसिक वैल्यू है, इससे क्या होता है सम थोड़ा ईजी होता है। सो 2x + 3 × 0 = 12, ये 0 है, ठीक है। सो 2x = 12 और x = 12/2, सो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 6। एक वैल्यू मिल गई x की, और y की वैल्यू हमने क्या रखी थी 0, तो y की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, x = 6 y = 0। ठीक है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा बट ठीक है, समझने के लिए इतना टाइम लग जाए तो भी चलेगा। चलिए अब y की वैल्यू 1 रखनी है, तो 2x + 3 = 12, 3 × 1 = 3 होगा तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, तो 2x = 12 - 3, 2x = 9, x = 9/2, सो x = 4.5। ठीक है, इससे हमें एकदम करेक्ट आंसर मिला, 4.5 ही आएगा, बट x की रखते तो करेक्ट नहीं मिलता। अब y = 2 रखा है, तो 2x + 3 × 2 = 12, तो 2x + 6 = 12, तो 2x = 12 - 6, तो 2x = 6, तो x = 6/2, सो x = 3। और यहाँ पे y की वैल्यू मैंने क्या रखी थी 2, और यहाँ पे y की वैल्यू मैंने रखी थी 1। ठीक है, तीन वैल्यूज़ हमें मिल गई। अब y की एक और वैल्यू रख देते हैं 3, उसके बाद हम बनाएंगे एक टेबल, ठीक है, काफ़ी लंबा समय। और लेट y = 3 रखते हैं आपकी बार, ठीक है। तो इतनी बार मैंने इक्वेशन को लिखा है कि मुझे अब इक्वेशन याद हो चुका है, वो क्या था, 2x + 3y = 12, तो 2x + 3 × 3 = 12, सो 2x + 9 = 12। ओके, समझ में आ रहा है ना। सो 2x = 12 - 9 = 3, सो x = 3/2 एंड वी विल गेट अ डेफिनेट आंसर, दैट इज x = 1.5। चलिए, x की चार वैल्यूज़ मिल गई और y की भी चार वैल्यूज़ मिल गई, ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे और उसमें x y की वैल्यू रखेंगे। वो बॉक्स आप लोग चाहो तो उल्टा भी बना सकते हो, सीधा भी बना सकते हो। सो बॉक्स को मैं क्या करता हूँ, शेप्स से बनाता हूँ, थोड़ा पॉज करके ताकि टाइम कम लगे। तो यहाँ पे मैंने टेबल बना लिया है और वैल्यूज़ लिख लेते हैं। जब x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 0 है, तो 6 और 0। दूसरी बार जब y की वैल्यू 1 रखी तो आंसर आया 4.5, यही आया था ना, तो हो गया 4.5 और 1। ठीक है, जब y की वैल्यू 2 रखी तो आंसर मिला 3। चलिए, और जब y की वैल्यू 3 रखी तो आंसर मिला 1.5, सो 1.53 और यहाँ पे 3 और 2। ठीक है, ये हो गया पूरा बॉक्स तैयार। अब इसी तरीके का बॉक्स मैं इक्वेशन 2 के लिए बना लेता हूँ। चलिए अब इक्वेशन 2 का बॉक्स बनाते हैं, ध्यान से देखो वीडियो को, ठीक है। मुझे पता है बोरिंग लग रहा होगा, ये टॉपिक ही ऐसा है, मुझे पढ़ाते हुए भी बोरिंग लगता है, ठीक है। तो x - y = 1 है मेरा दूसरा इक्वेशन, इसमें वैल्यूज़ को रख लेते हैं। पहली वैल्यू रख लेते हैं x की, अब इसमें किसी की भी वैल्यू रखो, इसमें इवन ऑड नहीं देखना है। x = 0 x = 1 x = 2 x = 3, ठीक है, चार वैल्यूज़ मैंने रख ली। आप लोगों को तीन ही वैल्यूज़ रखनी है और 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है। 0 - y = 1, तो y = आ गया -1, फिर 1 - y = 1, y = आ गया 0, फिर 2 - y = 1, सो -y = 1 - 2, तो -y = -1 - गेट कैंसिल, y का वैल्यू आ गया 1। और फिर उसके बाद 3 - y = 1 यहाँ पे, तो -y = 1 - 3, -y = -2, तो -- गेट कैंसिल, y = 2। ठीक है, आपकी y की तीन वैल्यूज, चार वैल्यूज़ मिल गई, x की चार वैल्यूज़ मिल गई, और ये फटाफट हो गया। फटाफट क्यों हो गया, बिकॉज ये इजी था। तो हम लोग x और y वाला रिलेशन वाला टेबल बना लेते हैं, x y, ठीक है, लाइनिंग में नहीं खींच रहा हूँ। तो x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 रखी और मेरे को आंसर -1, 0, 1, 2 मिला। ठीक है, एक मिनट, प्रॉपर नहीं लिखा है, -1, 0, 1, 2। चलिए, बैटरी भी डाउन हो रही है। तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, y की वैल्यू -1 है, दूसरे में x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, तीसरे में 2, 1 है, तीसरे में 3, 2 है, चौथे में, ठीक है। तो कैसे आ रहा है आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ रहे होगे मुझे लगता है पिछले वाले इक्वेशन से।
पिछले वाले इक्वेशन को बहुत आराम से किया था, इसको बहुत ही फटाफट कर दिया, ठीक है। अब मैं वो टेबल को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से उससे समझ पाओ। उससे पहले आप लोग ये दोनों पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, इसका और इसका, ठीक है, ताकि मैं रफ़ करके टेबल को एक ही पेज पर ला सकूँ। चलिए दोस्तों, मैंने एक्स और वाई एक्सिस को अभी ड्रॉ कर लिया है, तो चालू करते हैं अपना सम। इवेंचुअली आपको ये करना कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों बॉक्सेस को देखो, पहले बॉक्स में एक्स का कोऑर्डिनेट है 0, वाई का कोऑर्डिनेट है -1। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक्स का 0 मतलब ये पॉइंट, लेट मी ब्रिंग द फिंगर, चलिए एक्स का कोऑर्डिनेट मतलब ये पॉइंट 0 है, और वाई का कोऑर्डिनेट -1 मतलब वो एक्सिस पे बनेगा, ठीक है, मतलब यहाँ बनेगा। तो आपको यहाँ पे अलग कलर से क्लिक करना है, मतलब मुझे, और ऐसा गोला बना देना है, ठीक है। और यहाँ पे गोले के बगल में आपको लिखना है 0 और -1, कोऑर्डिनेट का पॉइंट जरूर लिखो, आइदर योर मार्क्स विल बी डायरेक्टेड। दूसरा कोऑर्डिनेट है 1 और 0, एक्स का 1 और वाई का 0, वो यहाँ पर आएगा, तो एक्स का 1 वाई का 0। चलिए अगला कोऑर्डिनेट एक्स का 2 वाई का 1, सो एक्स का टू मतलब यहाँ का, और वाई का 1 मतलब ये कुछ इस पॉइंट पर बनेगा, ठीक है, तो वो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। सो लेट मी ड्रॉ दैट पॉइंट, चलिए एक्स का 2 और वाई का -1, सो एक्स का 2 वाई का 1। चलिए तीसरा एक्स का 3 वाई का 2, तो एक्स का 3 मतलब ये, वाई का 2 मतलब ये, तो वो कुछ यहाँ पर आएगा, ठीक है। सो लेट मी ड्रॉ दैट पॉइंट, वो आ गया यहाँ पे, और ये हो गया 3 2। अब एक ख़ास बात देखोगे तो ये लाइन एकदम सीधी जा रही है, ठीक है, अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ये लाइन इस तरीके से जाएगी, और अगर लाइन सीधी जा रही है मतलब आपने एकदम करेक्ट किया है, ठीक है। अब दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला टेबल एकदम जस्ट ऊपर ही है, तो यहीं पे रख के देखते हैं। यहाँ पे दे बात करें तो एक्स सिक्स है मतलब यहाँ का, वाई ज़ीरो है तो वो एक्सिस पे आएगा, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। आपने 9th स्टैंडर्ड में प्लॉटिंग सीखा होगा, तो ये हो गया आपका पॉइंट। इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, अगला कलर ये आ जाएगा 6 और 0। अभी दूसरा है 4.5 और 1, ठीक है, 4.5 मंजे इकड़े एंड 1 मंजे इकड़े, सो जिकड़े पिकड़े। चलिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा दूसरा कोऑर्डिनेट, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, बट आप लोगों को अच्छे से वो लिखना है, ठीक है। चलिए अब तीसरा कहाँ है, तीसरा है 3 2 मंजे 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, तो वो कुछ यहाँ पे बनेगा, ठीक है। सो लेट मी ड्रॉ दैट पॉइंट यहाँ पे। अब उसके बाद 1.5 है और 3 है, 1.5 मतलब यहाँ पे और 3 मतलब यहाँ पे, ठीक है, वो कुछ यहाँ पे बनेगा, तो ये हो गया मेरा तीसरा। अब मैं यहाँ से भी लाइन खींच देता हूँ, चलिए मैंने लाइन खींच ली। अब उसके बाद हमें करना क्या है, हमें इस ग्राफ का जो लाइन खींचा है मैंने, अब देखना इसका इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है। यहाँ पे आप लोगों को वो कोऑर्डिनेट लिखने हैं, ठीक है, जगह नहीं थी तो मैंने नहीं लिखी। अब इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है वो हमें देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ वही तो हम लोगों का आंसर है, जहाँ इंटरसेक्शन होगा उसका जो कोऑर्डिनेट आएगा वही हमारा आंसर है। इंटरसेक्शन हो रहा है ये पॉइंट पे, ठीक है, तो ये पॉइंट से हम लोग एक नीचे की तरफ खींच लेंगे लाइन और एक ऊपर की तरफ खींच लेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने जब लाइन खींची तो हम लोगों ने पाया कि जो लाइन नीचे की तरफ आ रही है वो है एक्स इज इक्वल टू 3, और जो लाइन वाई की तरफ जा रही है वो जा रही है दूसरे पे, तो एक्स इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 2, यही आंसर है क्या, इक्वेशन में पुट करो दूसरे में, एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आ गया 1, और RHS भी है 1, मतलब इस तरीके से इस सम को करना है, बड़ा ही इजी सम है और बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा आप लोगों को ये करने में। इवेंचुअली मुझे भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया आपको सिखाने में, तो मैं ज़्यादा एग्जांपल लूँगा नहीं इसमें से, बिकॉज ये एक सम आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को लीनियर इक्वेशन से इसका आंसर बता देता हूँ। तो इस तरीके से ग्राफ को प्लॉट करना है, और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, कुछ खास तो है नहीं वैसे। चलिए आप अपनी अगर टेक्स्ट बुक साथ में लेकर बैठे हैं तो दूसरा इक्वेशन आपको दिख रहा होगा, एक्स माइनस 3 वाई इज इक्वल टू 1, उसमें वाई की वैल्यू पुट करना और 3x-2y+4, इसको पहले अरेंज करना, 4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, और फिर ऑड नंबर की वैल्यू रखना, ऑड नंबर यहाँ पे 3 है तो 3x की वैल्यू रखना, ठीक है। अब तीसरा इक्वेशन 5x-6y है, तो इसमें 5x में x की वैल्यू रखना, और यहाँ पे भी 5x में x की वैल्यू रखना। तो इनको मैं लीनियर इक्वेशन से सॉल्व कर सकता हूँ, बिकॉज ग्राफ से करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, एक बता दिया, बाकी आप लोग प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और अगर डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो भाई, करा देंगे सेपरेट वीडियो में। सो चलिए क्या है, x-3y = 1, ठीक है, और 3x-2y = -4 अरेंज करने के बाद, यह है इक्वेशन 1, यह है इक्वेशन 2। x को मैं 3 बना सकता हूँ ताकि ये
ताकि ये एक्स हम लोगों का 3 बन जाए, तो मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा 3x-9y=3 और ये 3x-2y=-4। अब हम लोग लाइन खींच देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं तो साइन चेंज होगी। साइन चेंजिंग का फॉर्मूला नहीं पता है तो पहला वाला वीडियो ओपन करके देख लो भाई। ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा -7y=7, y=- आ जाएगा -1। अब y की वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, पुटिंग y=1 इन इक्वेशन -1 इन इक्वेशन 1, ठीक है, क्योंकि -9y+2y तो -7y आया। 1 में रखेंगे तो x-3-1=1, x+3=1, x=1-3, x=-2, तो x-2 आया है, y-1 आया है, करेक्ट। क्रॉस चेक करें, 3 मी रेज, चलिए 3-2 और -2-1, तो 3-6+2-6+2-4, आरएचएस क्या है -4, मतलब आंसर एकदम करेक्ट है। इस तरीके से इसको करना है, इसका आंसर ये आएगा, ग्राफिकली सॉल्व करके चेक कर लेना, ठीक है। चलिए अगला सम करते हैं, अगला सम है 5x-6y+30=0। तो यहाँ पे 30 यहाँ पे, तो इसको हम लोगों को वहाँ भेजना पड़ेगा क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में यही है, तो 5x-6y=-30 आ जाएगा। और फिर दूसरे में है 5x+4y-20=0, इसमें भी 20 को उधर भेजना होगा, तो 5x+4y=20, ठीक है। तो 5x+4y=20 और 5x+3-6y=30, सब्ट्रैक्टिंग करते हैं, 5 5 कट जाएगा, ठीक है, तो 5 5 कट गया, -6-4-10y=-30-20-50 आ गया, -- गेट कैंसल, आपको मतलब y कोऑर्डिनेट पे आंसर मिलेगा 5। और इसको पुटिंग कर देते हैं, पुटिंग y=5 इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं, 1 वाला थोड़ा हार्ड भी है बट चलो कोई नहीं, 6 5=-30, 5x-30=-30, तो 30 वहाँ जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये आंसर 0 आ जाएगा, तो x का आंसर आपको 0 मिलेगा, मतलब ये ग्राफ पे आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। y की वैल्यू 5 रहेगी, बस यहीं पे एक्सिस पे बनेगा, वो एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा, मतलब ऐसा कुछ वो जाएगा और फिर सिर्फ एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा, x की वैल्यू 0 आ जाएगी, समझा ये पार्ट। चलिए अगला इक्वेशन सॉल्व करते हैं, अगला इक्वेशन है 3x-y, लेट मी जूम द पार्ट सो दैट आई कैन राइट प्रॉपरली। हम लोगों का है 3x-y-2=0, अरेंज करेंगे तो 3x-y=2 हो जाएगा, और यहाँ पे है 2x+y=8, मतलब ये अरेंज्ड है, प्लस वाई है माइनस वाई है, सिंपल, ये तो यहीं पे सॉल्व हो गया, ठीक है। तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 10, ठीक है। ग्राफिकली वैसे इतना हार्ड हार्ड इक्वेशन आता नहीं है, आपको 4 मार्क्स में हो सकता है आ जाए, तो x=10/5 होके 2 आ जाएगा। अब पुटिंग कर लेते हैं, पुट x=2 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में रखें, दूसरे में रख दें, 2x+y है = 8 है, तो 2 2+y = 8, ठीक है, सो 4+y = 8, सो y = 8-4, सो y = 4, इस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है, बड़ा इजी सम है, मतलब ये आप लोगों को ग्राफ पे कैसे आएगा मैं बता देता हूँ, ये आपका है x एक्सिस और ये है x डैश मतलब नेगेटिव वाला, ये है y, ये है y डैश, आपका ये x2 है मतलब यहाँ पे, y4 है मतलब यहाँ पे, मतलब वो कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। ये लेट मी रेस, ये कुछ, चलिए ये कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगा, तो जो x का वैल्यू है वो यहाँ आएगा, y का वैल्यू यहाँ आएगा, ठीक है। चलिए अगला सम करते हैं, चलिए लास्ट सम भी करा देता हूँ, 3x+y=10, बिकॉज इक्वेशन यही रहेंगे, हो सकता है आपको कि ये लीनियर में सॉल्व करने आ जाए या क्रेमर में सॉल्व करने आ जाए। x-y=2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, y कैंसिल, ये हो गया 4x, ये हो गया 12, सो x=12/4, तो ये हो गया x=3। चलिए x=3 को पुटिंग कर देते हैं, सो हियर वी हैव टू राइट दैट पुट x=3 इन इक्वेशन 1 में रख दें, तो 3 3+y=10, मतलब 9+y=10, मतलब y=10-9y=1, ठीक है। तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1 है, मतलब ये ग्राफ पे कैसा आएगा, ग्राफ पे ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश, x=3 था और y=1 था, ठीक है, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब ये कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगा, इस तरीके से, ठीक है, एक मिनट, इंक्लाइंड रहेगा, चलिए ये इस तरीके का रहेगा, तब आप लोगों का x यहाँ पे आ जाएगा, y=2 यहाँ, ठीक है। वैसे ये भी थोड़ा क्रॉस हो गया, इसको फिर से लास्ट टाइम, चलिए ये इस तरीके से होगा, उसके बाद आपका जो कोऑर्डिनेट रहेगा
वो एकदम प्रॉपरली ऐसे आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू दिस, वाई इज इक्वल टू दिस, समझ गए। चलिए अब हम लोग वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट फाइंड कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फिर 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिफ्थ वाला क्रेमर्स रूल मेथड से, उसके बाद हम लोगों का ये वीडियो खत्म होगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे छठा सम, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करना है बिकॉज फ्री का टाइम तो है नहीं अपने पास। चलिए चलिए ये वाला डिटर्मिनेंट देखें, 4237 है, ठीक है। तो 4 × 7 दो ब्रैकेट बना लो, दोनों के बीच में माइनस रखो, ये सिंपल फार्मूला रहेगा। तो 4 × 7 क्योंकि हम लोगों को ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे करना है, तो 4 × 7 − 2 × 3, ठीक है। तो 4 × 7 = 28 माइनस 6 ये आ जाएगा 22, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 22, ठीक है। चलिए अब अगला सम करते हैं, अगला सम है 5 − 3 और ये −2 और 1, ठीक है। मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ बिकॉज एक ही कलर से लिख लिख के पक गए होगे। तो यहाँ पे 2 ये हो गया माइनस, फिर 2, ठीक है। तो 5 × 1 माइनस −3 × −2, −2 को आप लोगों को ब्रैकेट में रखना होगा। चलिए सो 5 × 1 माइनस, फिर माइनस माइनस 3 − 2 6, तो 5 − 6 वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। एक और सम कर लेते हैं यहीं पे, 3 − 1 और 1 − 1 और 4, ठीक है। फार्मूला याद है ना, दो ब्रैकेट दोनों के बीच में माइनस, तो उसके बाद 3 × 4 और −1 × 1, ठीक है। तो 3 × 4 = 12 + 1 = 13, तो इस तरीके से आप लोगों को फाइंड करना है। चलिए इस तरीके से आप लोगों को वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब करते हैं क्रेमर्स रूल, क्रेमर्स रूल स्टार्ट करते हैं। 6x − 3y = −10 आपका पहला इक्वेशन है, और 3x + 5y − 8 = 0 दूसरा इक्वेशन है। यहाँ पर −8 यहाँ नहीं रहना चाहिए, इक्वल के वो साइड रहना चाहिए। सो आई हैव अरेंज्ड हियर 3x + 5 = 8, वहाँ जाके +8 हो गया, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 2, पहला इक्वेशन पहले से ही अरेंज था तो इसको ऐसे ही लिख दिया मैंने। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। क्रेमर्स रूल के स्टेप्स मैंने 1.3 बेसिक कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से बताए हैं, आप लोग एक बार ज़रूर देखें। पहला स्टेप है कंपेयरिंग का, तो a1x + b1y = c1 और a2x + b2y = c2, ठीक है। ये पहला स्टेप है हम लोगों का। तो इस स्टेप में हम लोग करते क्या है, a1 6 b1 −3 फाइंड करते हैं इवेंचुअली। c1 हो गया −10, ठीक है। a2 हो गया 3, b2 हो गया 5 और c2 हो गया 8। यहाँ पे 2 प्रॉपर नहीं बन रहा है, डिवाइस चेंज कर दे रहा है, तो c2 हो गया 8, ठीक है। हम लोग क्या फाइंड करेंगे, अब फाइंड करेंगे हम लोग d का फार्मूला क्या है। लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। चलिए d का फार्मूला है a1 b1 a2 b2। चलिए दो ब्रैकेट, पहले वैल्यूज़ रख लेते हैं। वैल्यूज़ a1 कितना है भाई, 6 है। b1 कितना है, −3। a2 कितना है, 3। b2 कितना है, 5। हम लोगों को फार्मूला मालूम है, दो ब्रैकेट और दोनों के बीच में माइनस। चलिए अब वैल्यूज़ रखते हैं, तो 6 × 5 और ये −3 × 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 6 × 5 = 30 + 9, तो 30 + 9 होता है 39, ठीक है। ये हो गया आपका डी। चलिए और अब क्या फाइंड करेंगे, अब फाइंड करेंगे डी एक्स। चलिए नीचे फाइंड करें, नीचे ज़्यादा स्पेस नहीं है तो हम लोग यहाँ चलते हैं। सो डी एक्स इज इक्वल टू, फार्मूला याद आ रहा है, c1 b1 c2 b2, याद आया फार्मूला। चलो वैल्यूज़ रख दो, c1 है −10, लेट मी क्रॉस चेक, c1 है −10, c2 है 8, b1 है 3 −3 और b2 है 5। चलिए दो ब्रैकेट और दोनों के बीच में माइनस, फार्मूला मालूम है ना। चलो तो −10 × 5 और −3 × 8, ठीक है। तो −10 × 5 − 50 + 24, ये हो गया −26, आपको मिल गया डी एक्स। अब फाइंड करते हैं डी वाई, एंड आफ्टर दैट फाइनली वी विल फाइंड एक्स एंड वाई। तो डी वाई का फार्मूला मालूम है ना, याद आ रहा है क्या है फार्मूला, a1 c1 a2 c2। वैल्यूज़ रख दें, वैल्यूज़ देख लो एक बार, a1 है 6 और a2 है 3, मतलब a1 है 6 a2 है 3। c1 कितना है भाई, c1 है −10 c2 है 8, तो c1 है −10 c2 है 8। चलिए दो ब्रैकेट दोनों के बीच में माइनस, तो 6 × 8 −10 × 3 t8 + 30
ये हो गया 78, ठीक है। तो डी वाई इज इक्वल टू 78 हो गया। अब डी एक्स है, डी वाई है और डी है, तो एक्स वाई फाइंड हो जाएगा। कैसे फाइंड होगा? पेन से फाइंड होगा। चलिए एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, यही है ना फार्मूला। डी एक्स क्या है? डी एक्स है -26 और डी है 39, तो -26 अपॉन 39। अब ये 13 से कट जाएगा तो आंसर मिल जाएगा -2/3। ये हो गया हम लोगों का एक्स, ठीक है। अब फाइंड करते हैं वाई का फार्मूला क्या है भाई। वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी, डी वाई है 78 और डी है कितना 39, ठीक है। अब 39 2 जा 78 डायरेक्ट यहाँ पे कट हो रहा है, तो 39 2 जा 78, सो यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ वाई एज 2। काफ़ी टाइम लग गया इस सम में, बट फिर भी बढ़िया सम था। स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे लगता है अब की बार काफ़ी अच्छा लिखा है। चलिए अब सेकंड सम करते हैं। टोटल 5 क्वेश्चंस है, फिफ्थ वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, बाकी सब ईजी है, ठीक है। चलो अब सेकंड सम करते हैं। तो ये हो गया आपका तीसरा दूसरा इक्वेशन, ठीक है। तो 4m-2n है x और y की जगह, तो x और y के बिना ही हम लोग x y की जगह m पे कंपेयरिंग करेंगे। तो a1m + b1n इज इक्वल टू c1 और इधर a2m + b2n इज इक्वल टू c2। चलिए a1 है 4, b1 है -2, c1 है -4, ठीक है। लेट मी रेज, ज़्यादा प्रॉपर नहीं दिख रहा है। b1 है -2, c1 है -4, अब बढ़िया दिख रहा है। चलिए अब a2 b2 c2 फाइंड करते हैं। इक्वेशन सामने रखा है, फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू 3 एंड c2 इज इक्वल टू 16। चलिए हमारे पास a1 है, a2 है, b2 है, c2 है, c1 है, सब कुछ है, तो हम लोग d फाइंड कर सकते हैं। d का फार्मूला याद आ रहा है, तुरंत माइंड में क्लिक होना चाहिए जैसे ही मैं बोलूँ d। d का फार्मूला है a1 b1 a2 b2, ठीक है। चलिए a1 b1 कितना है? a1 है 4, a2 है 4, b1 है -2, b2 है 3, तो 4 × 3 -2 × 4। चलिए अब 4 × 3 = 12, 12 + 8 = 24, तो ये हो गया 20। तो d इज इक्वल टू क्या मिला? d इज इक्वल टू मिल गया 20। चलो अब फाइंड करते हैं dx। dx का फार्मूला क्लिक हुआ माइंड में? क्लिक हुआ मतलब आपकी जो स्ट्रेटजी है वो परफेक्ट है, आप एकदम बढ़िया लेवल पे जा रहे हो। dx का फार्मूला है c1 b1 c2 b2, रट्टा हो जाना चाहिए फार्मूला। और जो कोड मैंने बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट में, उससे तो याद ही होना चाहिए। अब कोड पूछोगे तो नहीं बताऊंगा, वीडियो ओपन करो खुद पता चलेगा। चलो c1 है यहाँ पे -4, c2 है 16, ठीक है। c1 है -4, c2 है 16, b1 है यहाँ पे -2, b2 है 3, तो b1 है -2 और b2 है 3। चलिए दो ब्रैकेट, दोनों के बीच में माइनस, तो 4 × 3 -2, लेट मी रीड दिस पार्ट। चलिए -2 × 16, 4 × 3 = 12, 16 × 2 = 32, आई हैव गॉट द आंसर एज 4 × 3 = 12, 16 × 2 = 32, 44। ये हो गया dm। इवेंचुअली ये dx नहीं है, ये हम लोगों का dm रहेगा, बिकॉज वैल्यूज वहाँ पे क्या हैं, वो हैं m और n में। तो ये हो गया dm, ठीक है। सो dm की वैल्यू आ गई 44। चलिए यहाँ पे -4 × 3 है, तो ये -12 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा 20, ठीक है। क्योंकि मैंने फटाक से लिखा तो मैं देखा नहीं, तो -12 + 32 हो जाएगा 20। तो dm हो गया 20। अब dn फाइंड करते हैं। dn का फॉर्मूला क्लिक हुआ, सो dn इज इक्वल टू a1 c1 अपॉन a2 c2, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज़ रख लेते हैं। a1 है हम लोगों का 4, a2 भी है 4, c1 है हम लोगों का -4 और c2 है 16। तो चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं, दो ब्रैकेट दोनों के बीच में माइनस, एक ही कलर से लिख के पक गए होंगे तो कलर चेंज करते हैं। 4 × 16 -4 × 4, 16 × 4 = 64 +16 ये आ जाएगा 80। ये हो गया dn। अब m और n फाइंड करते हैं, ठीक है। हमारे पास m का फार्मूला है dm, जूम करके लिखता हूँ ज़्यादा बेटर रहेगा। dm 20 है और d 20 है, ठीक है। सो m का फार्मूला है dm अपॉन d, सो dm भी 20 है, d भी 20 है, तो आंसर आ जाएगा 1, m इज इक्वल टू 1। अब फाइंड करते हैं n, n का फार्मूला है dn अपॉन d, dn है हम लोगों का 80, d है 20, 0 0 कैंसिल, 2 4 जाए 8, सो n इज इक्वल टू आ गया 4। इस तरीके से करना है इसको, बहुत ही ईजी है। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर करते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन।
गाइज यहाँ पे है आपका थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अपॉन में फर्स्ट इक्वेशन में 2 है और थर्ड सेकंड इक्वेशन में 3-3 है। ये थर्ड सम है हम लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पे 3-3 है तो 3-3 का हम लोग एलसीएम लेंगे। 3-3 एलसीएम निकालें तो 3 1 जा 1 जा 1 1 आ गया, मतलब इसका एलसीएम है 3। और एलसीएम अगर 3 है तो हम लोगों को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि डिनोमिनेटर हट जाए। डिनोमिनेटर रह के भी हम लोग क्रेमर्स रूल सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज हम लोगों ने ऐसे सम देखे हैं 3/2, 5/2, 1/18 ऐसा सम हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो वैसे ही हम लोग इसको भी करेंगे, बट ईजी बनाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 अभी के लिए दे दो और इसको दे दो इक्वेशन 2 ताकि हम लोग मल्टीप्लाई कर सके सिंपल करने के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1, क्योंकि 2 डिनोमिनेटर में है इक्वेशन 1 के, तो 2 हट जाएगा इससे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1, सो ये हो जाएगा 6x-4y = 5। और 2 में क्या है भाई, 2 में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। यहाँ पर वो भी लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 2, ठीक है। चलिए अब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x+9y = -4 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 3 से कट जाएगा, ये भी 3 3 से कट जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर कट जाएगा। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 3, ये 3 था, इवेंचुअली ये 4 होगा, ठीक है। सो नंबरिंग में गड़बड़ी हो सकती है, बट उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ये दो इक्वेशन हम लोगों को मिल गए, अब लाइन से लिख पे इन पे क्रेमर्स रूल लगा देते कंपेयरिंग करके। मैंने लीनियर इक्वेशन समझा था इसलिए ऐसा लिख दिया था, ठीक है। तो पहला इक्वेशन है 6x-4y = 5 और दूसरा इक्वेशन है x+9y = -4। चलिए अब ये हो जाएगा a1x + b1y = c1, ये हो जाएगा a2x + b2y = c2। a1 हो जाएगा 6, b1 हो जाएगा -4, c1 हो जाएगा 5, a2 हो जाएगा 1, b2 हो जाएगा 9 और c2 हो जाएगा -4, ठीक है। ये 9 है, मैं प्रॉपरली लिख देता हूँ। चलिए अब हम लोगों के पास सब चीज़ें उपलब्ध हैं जिनसे हम लोग dx dy फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे डी पहले फाइंड करते हैं। सो डी इज इक्वल टू फार्मूला क्या है, a1b1/a2b2। तो a1 6 है, a2 1 है, b1 -4 है, b2 9 है, ठीक है। तो 6 × 9 - और ये दूसरा ब्रैकेट -4 × 1, 6 9 = 54 + 4 ये हो गया 58। ये क्या मिल गया हमें, ये मिल गया हमें डी, ठीक है। अब डी खोजने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब फाइंड करेंगे dx का फार्मूला क्लिक हुआ। dx का फार्मूला इज इक्वल टू c1 b1 c2 b2, ओके। चलिए अब फाइंड करते हैं, तो c1 b1 की वैल्यूज़ देख लो, c1 है 5, c2 है -4, ठीक है। c1 क्या है 5 और c2 है -4। अब b1 है -4 और b2 है 9, तो -4 और ये 9, ठीक है। थोड़ा ऊपर चले गए हैं, उन पे थोड़ा नज़र डाल देना, ठीक है। तो 5 × 9 ये हो गया और -4 × -4 वो हो गया। यहाँ पे आप लोगों को एक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। इवेंचुअली इसको अच्छे से मैं लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा -4 × -4 और ये बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, इधर बड़ा ब्रैकेट रहेगा। 5 9 = 45, -4 4 = 16, 45 में से 16 गया, आंसर मिला 29, ठीक है। ये हो गया dx। अब d कितना मिला था 58 और dx कितना मिला है 29, दोनों कट हो रहे ना, मतलब आंसर करेक्ट आ रहा है। अब फाइंड करते हैं dy। हाँ, कई कई कंडीशन में कट नहीं होगा तो इसको एकदम प्रॉपर तरीका मत समझ लेना करेक्शन पहचानने का। dy का फॉर्मूला है a1 c1 a2 c2, ठीक है। a1 कितना है, a1 है 6, a2 है 1, तो ये हो गया 6 1। c1 कितना है 5 और c2 है -4, तो 5 और -4, दो ब्रैकेट दोनों के बीच में माइनस, फार्मूला मालूम है ना। तो ये हो जाएगा -4 × 6 या 6 × -4, ये हो जाएगा 5 × 1, तो 6 4 = 24 माइनस में -5 - 24 - 5 - 29, ये हो गया आपका dy। अब हमारे पास dx है, हमारे पास d है, हमारे पास dy है। d मिला था हम लोगों को 58, नहीं नहीं
में क्रॉस चेक थी, हाँ डी मिला था 58, डी एक्स मिला है 29 और डी वाई मिला है -29। ठीक है, क्रॉस चेक कर लो भाई। चलिए एकदम प्रॉपर है। अब एक्स वाई फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे कलर चेंज करना पड़ेगा। एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, डी एक्स कितना है 29 और डी है 58, तो आंसर आ जाएगा 1/2। सो एक्स इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू 1/2। अब वाई फाइंड करते हैं, फाइंड करते हैं डी वाई हम लोगों का कितना है, डी वाई है -29 और डी है 58, तो ये हो गया 1/2। तो वाई इज इक्वल टू आ गया हम लोगों का -1/2। ठीक है, इस तरीके से एक्स वाई फाइंड करना था। चलिए सबसे पहले मैं आपके लिए पांचवा सम करा देता हूँ, उसके बाद मैं आपके लिए चौथा सम कराऊंगा। ठीक है, बिकॉज पांचवा सम थोड़ा हार्ड है, तो अभी सीख लो, बाकी स्किप मत करना वीडियो। अगला सम पांचवा है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट वाला, सबसे हार्ड वाला। तो चलिए लिखते हैं। चलिए गाइस, क्वेश्चन देख के चक्कर आ रहा है, वीडियो देखने का मन नहीं कर रहा है, बोर लग रहा है, कोई बात नहीं, लास्ट पार्ट है। इसके बाद अगर 3-4 मिनट बचता है तो करवा दूंगा चौथा क्वेश्चन, वरना ईजी कर लेना। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास है x प्लस वाई -8/2। प्रॉब्लम क्या है भाई, ये इक्वल में दिया गया, इक्वेशन कुछ है ही नहीं, क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, बस सॉल्व करना है। तो पहले वाले को पहले दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या करो, पहले वाले को मल्टीप्लाई करो दूसरे वाले के साथ, एंड आफ्टर दैट मल्टीप्लाई द सेकंड वन विद द थर्ड। पहले वाले को दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई करोगे मिलेगा इक्वेशन वन, दूसरे वाले को तीसरे वाले के साथ करोगे मिलेगा इक्वेशन टू। करते हैं, बिकॉज करने से होगा, बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। x प्लस वाई -8/2, इससे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय टेकिंग, ठीक है, बाय टेकिंग यहाँ पे ये लिखना आवश्यक है। तो x प्लस वाई -8/2, पहले वाले को दूसरे वाले के साथ, मतलब x प्लस टू वाई -14/3 इक्वल है, मतलब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 यहाँ, तो 3 एक्स प्लस वाई -8 इज इक्वल टू 2 एक्स प्लस टू वाई -14। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा 3x प्लस 3y -24, ये हो जाएगा 2x प्लस 4y -28। ठीक है, अब अरेंज कर लो भाई, x को x के साथ ले लो, तो 3x ये 2x यहाँ आएगा तो -2x, फिर प्लस 3y वो 4y यहाँ आएगा तो -4y इज इक्वल टू -28, 24 यहाँ आएगा तो +24। 3x में से 2x गया x, 3 में से 4 गया तो -4, मतलब -y, और इवेंचुअली ये y हम लोगों का, ठीक है, और -28 में से 24 गया तो -4, ये हो गया इक्वेशन वन। मिला ना, x -y इज इक्वल टू -4 इज योर इक्वेशन नंबर वन। अब इक्वेशन टू कैसे फाइंड करेंगे, दूसरे वाले को तीसरे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, दूसरा वाला देखो भाई कहाँ है, चलो मल्टीप्लाई करें, x प्लस टू वाई -14/3 इज इक्वल टू 3x -y/4। ठीक है, तो 4x प्लस टू वाई -14 इज इक्वल टू 3x -y। टक टक की आवाज़ आ रही होगी तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो 4x प्लस 8y -56 इज इक्वल टू 9x -3y। ठीक है, अरेंज कर लो भाई, 4x -9x प्लस 8y, यहाँ से 3y आएगा तो वो भी प्लस 3y, और ये 56 वहाँ जाएगा तो पॉजिटिव में 56। अब ये हो जाएगा -5x प्लस 11y इज इक्वल टू 56, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर टू। चलिए इक्वेशन टू भी आपको मिल गया, इक्वेशन वन दिख रहा है, इक्वेशन टू भी दिख रहा है। अब इस पर क्रेमर्स रूल लगाते हैं। ठीक है, तो पहले सबको साथ में लिख लो इक्वेशन वन और टू को। इक्वेशन वन था x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, और इक्वेशन टू मिला है -5x प्लस 11y इज इक्वल टू 56। ठीक है, अब कंपेयरिंग करेंगे हम लोग, कंपेयरिंग करेंगे a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। a1 आ जाएगा 1, b1 आ जाएगा -1, c1 आ जाएगा -4, a2 आ जाएगा 5, a2 आ जाएगा -5, b2 आ जाएगा 11 और c2 आ जाएगा 56। ठीक है, चलिए अब d फाइंड करते हैं पहले, तो d का फॉर्मूला क्या है, कलर को चेंज कर लेते हैं, काफ़ी पक गए इसको यूज़ कर करके। d का फॉर्मूला है
a1 b1 अपॉन a2 b2। a1 b1 तो ऊपर दिख रहा है, a1 है 1 और b1 है -1। अब यहाँ पे a2 b2 दिखेगा, b2 है -5 और a2 है -5 और b2 है 11। अब क्रॉस मल्टीप्लाई और दो ब्रैकेट के बीच में माइनस, ये चीज़ तो मालूम ही होगी। तो 1 × 11 -5 × -1, तो 11 - 5 आपको आंसर मिल गया 6। डी मिला, इसको बॉक्स में डाल दो। अब फाइंड करते हैं dx, स्पेस तो ज़्यादा है नहीं बट फिर भी ट्राई करते हैं कि dx और dy यहीं फाइंड कर लें। तो dx का फॉर्मूला c1 b1 अपॉन c2 b2। c1 b1 की वैल्यू रख दो भाई, c1 b1 कितना है, c1 है -4, c2 है 56, ठीक है, -4 अपॉन 56। चलिए अब b1 b2, b1 है -1, b2 है 11, तो -1 और इधर 11। चलिए अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, दो ब्रैकेट बीच में माइनस, तो -4 × 11 -1 × 56। चलिए ये हो जाएगा -44 + 56, आंसर मिल जाएगा 12। तो dx मिल गया 12, ठीक है, dx मिल गया तो इसको बॉक्स में डाल दो। डी मिल गया, dx मिल गया, अब dy के लिए ऊपर थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, पेज की कमी नहीं अपने पास। dy का फॉर्मूला है dy इज इक्वल टू a1 c1, स्टाइलस कभी कभी काम नहीं करता है, a1 c1 अपॉन a2 c2, ठीक है। अब a1 a2 फाइंड करते हैं, a1 कितना है भाई, a1 है 1 और a2 है -5, तो a1 है 1 और a2 है -5। c1 c2, c1 है -4, c2 है 56, c1 है -4, c2 है 56, दो ब्रैकेट दोनों के बीच में माइनस। चलिए अब 1 × 56 और इधर -4 × -5, ठीक है। चलिए अब 1 × 56 हो जाएगा 56, ये 5 है, हाँ, और फिर -4 × -5, ये 5 है एक्चुअली में, एक मिनट मैं प्रॉपर कर लेता हूँ सबको, -5 ये भी है 5, तो ये आ जाएगा 56, -4 × 5 = 20, 56 में से 20 गया कितना बचेगा 36, तो dy मिल गया 36। अब सबको एक साथ लिख लो, ठीक है, अगले पेज पे। तो d मिला है 6, dx मिला है 12 और dy मिला है 36। क्या क्या मिला था भूल गए, d मिला था 6, dx मिला था 12 और dy मिला था 36। आइए अब x फाइंड करते हैं, x इज इक्वल टू dx अपॉन d, dx है 12 और d है 6, तो 6 × 2 = 12, सो x इज इक्वल टू 2। आइए अब y फाइंड करते हैं, y इज इक्वल टू dy अपॉन d, dy कितना है, dy है 36 और d है 6, तो 6 × 6 = 36, तो y इज इक्वल टू 6 मिल गया, ठीक है। अब बात आती है कि सर इसको क्रॉस चेक कैसे करें, अरे वैसे ही चेक करो जैसे बाकियों को करते थे, समझे, इक्वेशन में रखो और चेक करो, x माइनस वाई माइनस 4 था, x मिला है 2, y मिला है 6, 2 - 6 - 4, मतलब आंसर करेक्ट है। या फिर चाहो तो ये जो बड़ा वाला इक्वेशन हम लोगों ने लिखा था, सॉरी चलिए जो बड़ा वाला इक्वेशन लिखा था इसमें भी पुट कर दो, इसमें भी पुट करोगे तो तीनों इक्वल आएंगे। तो ये था सबसे हार्डेस्ट सम क्रेमर्स रूल का, टाइम बचाए चलिए पाँचवा सम भी करा देता हूँ, दिल नहीं मान रहा है, ठीक है, कुछ कमी ना रहने पाए। चलिए पांचवा सम क्या है भाई, पांचवा सम है 7x + 3y इज इक्वल टू 15 और है 12y - 5x इज इक्वल टू 39। इवेंचुअली ये सब मैंने क्यों कराया, क्योंकि ये सब अरेंज्ड नहीं है और बहुत सारे बच्चे अरेंजिंग में फंस जाते हैं, ये तो अरेंज्ड है, तो 7x + 3y इज इक्वल टू 15 डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। अब दूसरा वाला अरेंज नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, x पहले रहना चाहिए y बाद में रहना चाहिए, तो -5x + 12y इज इक्वल टू 39। कई सारे बच्चे अरेंज करना जानते हैं बट वो क्या गलतियां कर देते हैं कि -5x को जब ये साइड लिखते हैं तो +5x लिख देते हैं और 12y को -12y, बस खेल ख़त्म उतने में। चलो अब कंपेयरिंग कर लें, a1x + b1y
इज इक्वल टू सी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू। तो ए वन इज इक्वल टू सेवन, बी वन इज इक्वल टू थ्री, सी वन इज इक्वल टू फिफ्टीन। और यहाँ पे ए टू इज इक्वल टू माइनस फाइव, बी टू इज इक्वल टू ट्वेल्व और सी टू इज इक्वल टू थर्टी नाइन। प्रॉपर आ नहीं रहा है। चलिए अब फाइंड करते हैं डी, ये हम लोगों का सी टू है। चलिए डी का फॉर्मूला क्या है, डी का फॉर्मूला है ए वन, ए वन बी वन अपॉन ए टू बी टू। चलिए ए वन बी वन पता है, ए वन है हम लोगों का सेवन और ए टू है माइनस फाइव, बी वन है थ्री, बी टू है ट्वेल्व, दो ब्रैकेट बीच में माइनस। वैसे क्रेमर्स रूल अभी तक एक भी बार नहीं आया बोर्ड में, तो हो सकता है आपकी किस्मत चमक जाए। माइनस फाइव इंटू थ्री, सेवन ट्वेल्व जाए एट्टी फोर, प्लस फिफ्टीन, आंसर कितना आला, नाइन्टी नाइन। आपका आ गया डी, आया ना डी, आ गया आपका नाइन्टी नाइन। अब फाइंड करते हैं डी एक्स, डी एक्स का फॉर्मूला क्या है, सी वन बी वन सी टू बी टू। चलिए सी वन कितना है, सी वन है फिफ्टीन, सी टू है थर्टी नाइन, बी वन कितना है, बी वन है थ्री, बी टू है ट्वेल्व। चलिए फिफ्टीन इंटू ट्वेल्व माइनस थ्री इंटू थर्टी नाइन। चलिए अब यहाँ पे फिफ्टीन इंटू ट्वेल्व, पंद्रह दहा में डेढ़ सौ और एक सौ अस्सी, थर्टी नाइन थ्री जा थर्टी नाइन टू जा होता है सेवेंटी एट, उसमें सेवेंटी नाइन जोड़ दो, ये आ गया वन हंड्रेड सेवेंटीन। ठीक है तो 180 में से 117 गया तो कितना बचता है, चलिए मैं यहाँ पे एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। चलिए प्रॉपर है, 180 में से 117 गया, मिला आंसर कितना आ रहा है, 63। चलो करेक्ट है, ये मिल गया आपको डी एक्स। ठीक है अब फाइंड करते हैं डी वाई, डी वाई का फॉर्मूला है ए वन सी वन अपॉन ए टू सी टू। ए वन कितना है भाई, ए वन है सेवन और माइनस फाइव, तो ये हो जाएगा सेवन और माइनस फाइव। सी वन कितना है, सी वन है फिफ्टीन और सी टू है थर्टी नाइन, फिफ्टीन अपॉन थर्टी नाइन। चलो सॉल्व करते हैं, तो सेवन इंटू थर्टी नाइन माइनस माइनस फाइव इंटू फिफ्टीन, थर्टी नाइन सेवन जा कितना आएगा भाई, लेट मी सेवन नाइन जा सिक्सटी थ्री, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, आ गया टू सेवेंटी थ्री। ओके तो ये हो गया टू सेवेंटी थ्री माइनस माइनस फाइव इंटू फिफ्टीन, ये हो गया प्लस सेवेंटी फाइव। तो टू सेवेंटी थ्री प्लस सेवेंटी फाइव कितना आएगा, चलिए तो टू सेवेंटी थ्री प्लस सेवेंटी फाइव हो जाएगा 348। ठीक है और वैल्यू क्या है, किसकी वैल्यू है, ये डी वाई की। तो मतलब हमें सभी चीज़ें अब मिल चुकी हैं। ठीक है बस इनको अब फार्मूले में रखना है, तो फार्मूले में रख देते हैं स्क्रीन बड़ी ही करके। तो एक्स का फार्मूला है डी एक्स अपॉन डी डी एक मिनट, तो 21 आ गया 3 से और 33, 3 11 जा 3 7 जा, तो आंसर मिल गया 7 अपॉन 11 एक्स का। अब वाई फाइंड करते हैं, y के लिए फार्मूला है dy वाई अपॉन डी, डी वाई मिला है 348 और d है 99, 3 से कट रहा है 3 से काट दो, 116 जा 33 जा, तो ये हो गया 116 बाय 33। चलिए x भी मिल गया y भी मिल गया, स्क्रीनशॉट भी ले लो वो भी मिल जाएगा। फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करेंगे और साइमल्टेनियस इक्वेशन सिक्स वाला करेंगे। ठीक है आज के लिए बस इतना है, काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया आपका, सॉरी फॉर दैट, बट कल मिलेंगे तो पूरा एक्सरसाइज पूरा प्रॉब्लम सेट खत्म कर देंगे।